सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद। जो बच्चे पहली बार आए हैं इस चैनल के ऊपर उनको बता दूं कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही पढ़ाता हूं और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत बड़ी है, उसमें कई सारे कॉलेजेस आते हैं, मोर देन 70 कॉलेजेस वहां पर आते हैं। कुछ कैंपस कॉलेजेस हैं, कुछ ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं और कई बार अब बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कमेंट बॉक्स मैंने खोला हुआ है तो मेरे हाथ में फ़ोन है अभी और मैं जो है आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि कल से एडमिशन शुरू होने जा रहा है तो मेरे लिए भी ये था कि मैं आपको एक दिन पहले कम से कम आपको जो है वीडियो बना के दूँ। हालाँकि ये समय सही नहीं था वीडियो बनाने का क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस भी था, लेकिन चलिए जो भी है अब आई थिंक ये काम तो करने ही हैं अपने सारे के सारे, तो मुझे लगा कि सब मैनेज हो जाएगा आज की डेट में। वीडियो को पूरा देखना, शायद से आप हो सकता है आपका क्वेश्चन भी जो है इस वीडियो में लिया गया हो, अगर आपने क्वेश्चन डाला है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आई थिंक सबके क्वेश्चंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, मेरा चार कॉलेजेस में आ रहा है तो मैं कैसे चूज़ करूँ मेरे कौन सा कॉलेज अच्छा है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कौन सा कॉलेज अच्छा है। ये तो बहुत बहुत ही मुश्किल जवाब है देना कि ये वाला कॉलेज किस तरह से। ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स लिया जाए, फिजिक्स लिया जाए। मैंने हालांकि पिछले वीडियो में भी बात क्लियर करने की कोशिश करी थी कि फिजिक्स लिया जाए या इलेक्ट्रॉनिक्स लिया जाए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। एक बच्चे ने बोला है कि क्या मैथ्स कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस लेने के लिए। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस हैं। अच्छा कोर्स है कंप्यूटर साइंस अपने आप में। जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं करना चाहते हैं JEE में उनका नहीं हो पाता है तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करने की तरफ देखते हैं। कई बच्चे पूछ रहे थे कि कंप्यूटर साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है वो ये रहता है कि आपने मैथ्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे कोई बच्चा अगर PCB वाला है तो उसको वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसके पास मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आप ये बात समझ सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है और जिसके पास में जिसने मैथ्स को शुरू में लिया ही नहीं है तो यानी वो इंजीनियरिंग की तरफ जाना ही नहीं चाहता था तो वो बाद में उसकी तरफ मोल्ड नहीं हो सकता। एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या बेस्ट ऑफ थ्री जो लेते हैं, पहली बात तो बेस्ट ऑफ थ्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बेस्ट ऑफ फोर जो होता है वो आर्ट्स और कॉमर्स के लिए होता है, बेस्ट ऑफ थ्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बेसिकली साइंस के कोर्सेज में PCM लिया जाता है या PCB लिया जाता है और PCM PCB जो है वो तीन सब्जेक्ट चूज़ किए जाते हैं साइंस के एडमिशन के लिए जिसमें इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस पर डिपेंड करता है। जैसे नॉर्थ कैंपस में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि कहते हैं कि इंग्लिश में मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो PCM पे चलेगा लेकिन इंग्लिश में भी मिनिमम इतने मार्क लिए जाते हैं, तो ये हो सकता है। मैंने बोला है कि सर मेरे PCB में 76% है कि तो क्या जूलॉजी में एडमिशन मिल सकता है। बेटा कट ऑफ आ गई है, अगर आप चाहो तो DU की कट ऑफ एक बार चेक कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे कह रहे थे कि सर अभी जो कट ऑफ खुली है 90 पे खुली है और मेरे 76 हैं तो क्या मेरा आने का चांस रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और एडमिशन्स लेने वाले बच्चे जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं अपने आप में, और तो उसलिए थोड़ा मुश्किल है ये कहना कि इतना कट ऑफ गिरेगी क्योंकि इतना कट ऑफ हिस्ट्री में कभी नहीं गिरी है। तो मुश्किल है ये कहना कि एडमिशन जो है इतने लो कट ऑफ पे हो जाएगा। कोई ऐसा कॉलेज देख सकते हो जो आपके मार्क्स के नियर हो सो दैट आपको एडमिशन मिलने का चांस आपका बन जाए। आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा आप ऑफ कैंपस कॉलेजेस की तरफ देखिए। अगर किसी बच्चे के पास स्पोर्ट्स कोटा है या किसी के पास में कोई और कैटेगरी अगर वो उसमें आता है तो पॉसिबल है, नहीं तो जनरल कैटेगरी में थोड़ा मुश्किल है इतना कट ऑफ गिरना। तो कोई एक सबसे पहला जनरल क्वेश्चन एक और ये भी था कि कितना कट ऑफ जो है वो गिर सकता है, कितना एक्सपेक्टेड है, कितना कट ऑफ गिर जाएगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा एक्सपेक्टेडली। रेंज अगर पिछले सालों के रिकॉर्ड्स में अगर आप देखें तो 4-5% तक का गिरता है, वो भी दूसरी कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में मोस्टली सेकेंड कट ऑफ में क्लोज हो जाता है मोस्टली। अब वो डिपेंड करता है कि बच्चे कितने विड्रॉ कराते हैं क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ में बच्चे विड्रॉ भी कराते हैं। सपोज करिए कि आपका हिंदू कॉलेज में आ रहा था और सेकेंड में आपका सपोज करिए कि आपका उससे कोई बेटर किसी कॉलेज में आ जाता है तो बच्चे को हो सकता है कोई प्रेफरेंस उसकी कोई और कॉलेज हो तो मे बी अगर वो शिफ्ट करता है तो वो सीट खाली हो जाती है तो फिर उस केस में आपको शायद एडमिशन मिल सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं बट 4-5% तक आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा सर BSc फिजिक्स करना चाहता है तो उसके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। देखिए मैंने आपको एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूँ कि कोई भी कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत अच्छा जो है वो एक कैंपस कॉलेज हो, नॉर्थ कैंपस को प्रेफरेंस नंबर 1 में रख सकते हो, साउथ कैंपस को प्रेफरेंस नंबर 2 में रख सकते हो और ऑफ कैंपस कॉलेज में अगर आ रहा है तो थोड़ा सा इंक्वायरी कर लीजिए। मेनली बेसिकली यही चीज़ होती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि ऑफ कैंपस कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कोई भी एक ऑफ कैंपस कॉलेज को किसी दूसरे ऑफ कैंपस कॉलेज से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
इसके अलावा जो है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में कौन सा बेटर है, नॉर्थ कैंपस क्यों बेटर है, अगर मैं आपको बोलूँ नॉर्थ कैंपस किस वे में बेटर है, तो नॉर्थ कैंपस जो है वो कई वे में इसलिए बेटर है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट होता है। अगर आपने भी कोटा फैक्ट्री देखी है तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, तो वो कुछ एनवायरनमेंट स्टडी एनवायरनमेंट होता है जो आपको नॉर्थ कैंपस में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ऑल्दो अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो कहीं भी बैठ के पढ़े वो अचीव कर ही लेता है। ऑल्दो मेरा जो था वो नॉर्थ कैंपस था, तो मैं थोड़ा सा बेटर बता सकता हूँ इस बारे में। और जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो मेरा ऑफ कैंपस कॉलेज है, ऑफ कैंपस का एक्सपीरियंस भी है और मैं पढ़ा हुआ हूँ नॉर्थ कैंपस से, तो मुझे नॉर्थ का एक्सपीरियंस भी है। साउथ कैंपस जहाँ तक बात है वो ऑफ कैंपस से बेटर है अगर आप पढ़ने के बारे में बात करेंगे तो। एक बच्चा ने पूछा सर इस बार एडमिशन ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे? यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडमिशन ऑनलाइन होने वाले हैं या ऑफलाइन, क्योंकि कल से ही एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं तो कई सारे बच्चों के क्वेश्चन हैं कि एडमिशन किस तरह से होंगे। तो आपको बता दिया जाए कि जो एडमिशन होने वाले हैं वो होने वाले हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब किस तरह से एडमिशन होगा, क्या होगा, वो सारा कुछ जो है मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि कल मेरी जो है ड्यूटी है और कल मुझे जाना है कॉलेज और वहाँ जाके मैं सारी की सारी इंक्वायरी करूँगा। हो सकता है आप बच्चे फर्स्ट कट ऑफ में जो है, कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर कल से तो एडमिशन शुरू हो जाएगा। हमें टोटल 55 आवर्स का हमें टाइम मिला है पूरा करने का। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक एडमिशन होगा, ऑनलाइन पोर्टल पर होगा। DU की वेबसाइट आप खोलेंगे, उसमें आपको फॉर्म भरना होगा और उसके बाद में आपको जो है सारी की सारी गाइडेंस जो है वो हम लोग अपने आप से देंगे। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, कॉन्टैक्ट जो है कॉलेजेस करेंगे कॉन्टैक्ट आपको, सब कुछ जो है हमारी तरफ से होगा। एक बच्चे ने पूछा सर हंसराज कॉलेज में कंप्यूटर साइंस करना कैसा रहेगा? बेटा अगर आपका एडमिशन अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आपका हो रहा है तो मेरा ये सजेशन है कि आप जो है देर मत लगाइए, क्योंकि एक तो हंसराज कॉलेज एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है नॉर्थ कैंपस में। प्लेसमेंट्स को लेके बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है कि DU में प्लेसमेंट्स कैसे हैं, किस कोर्स का अच्छा प्लेसमेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि DU में एज सच कोई बहुत प्रॉपर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि DU जो है वो अपने आप में एक ब्रांड है, तो जब आप बाहर निकलते हैं जॉब करने के लिए तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल ही जाता है। DU में आपको किसी का रेफरेंस की जरूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि IIT से आप करके निकले और आपको जॉब ना मिले, ये वैसा पॉइंट है। बट यूजुअली जो DU में बच्चे आते हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स को के लिए प्रिपेयर करते हैं और IAS की प्रिपरेशन, IFS की प्रिपरेशन, तो इस तरह से गवर्नमेंट अच्छी पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए बच्चे तैयार करते हैं। मोस्टली जब वो इस जगह पे आ जाते हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है कि यहाँ पे आने के बाद में एक माइंडसेट हो जाता है कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है और करनी है मतलब करनी है और अचीव करना ही है। बट बाय द वे प्राइवेट की तरफ बच्चे कम ही जाना पसंद करते हैं जब वो DU में आ जाते हैं। दिस इज़ माई बिलीव, बाकी ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, MBA वगैरह करना चाहते हो तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है आगे जाके। BTech करने के बाद भी करते हैं बच्चे लोग MBA ही हैं और उसके बाद में कंपनीज में जॉब करते हैं। फिर से एक बच्चे ने पूछा है कि सर फिजिक्स ज़्यादा बेटर है इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा बेटर है? नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा बेटर है, मैं हमेशा बोलूँगा। मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था कंपेरिजन जिसमें मैंने किया था, जिसमें बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बेटर है, मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहो तो डिटेल में देख सकते हो। और इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज जो होते हैं उन पे हमेशा आपको एडवांटेज मिलता है, तो गो फॉर देम। क्या कि मेरे 73% मार्क्स हैं और मेरे पास NCC का सर्टिफिकेट है तो क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा? देखिए अगर आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है, अगर आपको इस तरह से अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है तो आपके एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो DU आपको लेने के लिए आपको तैयार रहता है। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अगर आपने स्पोर्ट्स खेला हुआ है तो सर्टिफिकेट को आप कॉलेज में लगाइए। नेशनल लेवल तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा, स्टेट लेवल की भी अपनी इंपॉर्टेंस रहती है और ऐसे बच्चों का एडमिशन बहुत जल्दी हो जाता है। उसमें बस ये कंडीशन रहती है कि आपको कॉलेज के लिए खेलना पड़ता है, क्योंकि इंटर स्टेट जब कॉम्पिटिशन होते हैं या फिर मैचेज होते हैं तो आपको उसमें रहना पड़ता है। लेकिन उसमें फिर ये कंडीशन रहती है कि आप क्योंकि आप स्पोर्ट्स कोटे से जा रहे हैं तो आपको आगे स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा और आपकी स्टडीज़ अफेक्ट होती हैं। मैं सजेशन नहीं देता कि साइंस के बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लें, लेकिन अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो आप जो है ये ऑप्शन ले सकते हैं। एक बच्चे ने बोला है सर जूलॉजी और बायोमेडिकल में से कौन सा बेटर है? जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, इनको मैं सबको क्रॉस करता हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैं खुद फिजिक्स से हूँ लेकिन मैं इन सबको क्रॉस करता हूँ। इन सब की जगह पे स्टैट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इस तरह के कोर्सेज जो है मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये थोड़े से जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इनमें वो सब फीचर्स तो हैं ही जो आपको नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में मिल जाते हैं। प्लस इसमें क्या हो जाता है
इसमें आपको आपको अरीना बहुत अच्छा मिल जाता है आगे के लिए, स्टडी अरीना बहुत अच्छा हो जाता है, आपका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाता है, आपका जो रिज्यूमे है बहुत अच्छा हो जाता है, कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है क्योंकि इस कैटेगरी के लोग बहुत कम होते हैं। तो आप थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे कोर्स तो ही जो है उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, नहीं तो फिर वो उसी भीड़ में आप भी जो है एक और आप ऐड हो जाएंगे और आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। से आपने डिसाइड कर लिया होगा तो कल आपको जो है ऑनलाइन मोड से आपको लॉगिन करना है, आपको DU का एक पोर्टल आपको लॉगिन मिला हुआ होगा, आपकी ईमेल पे आ गया होगा, उसको आप लॉगिन करेंगे, आप कॉलेज अपना सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरा कॉलेज सिलेक्ट किया तो मेरे पास में आपका सारा डिटेल आ जाएगा और फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या करना है, सारा कुछ ऑनलाइन होना है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होना है। अभी हालांकि चीज़ें जो है डेलिमा में हैं, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, हम भी अभी जो है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उस पर भी बातचीत चल रही है कि किस तरीके से होगा, हमें आना है या नहीं आना है। कल से हमारी भी ट्रेनिंग शुरू होगी किस तरह से एडमिशन लेना है। तो मुझे उम्मीद है आई थिंक सारी चीज़ें जो फर्स्ट कट ऑफ के बाद ही क्लियर होंगी। और एक क्वेश्चन और था, बच्चे कहीं पूछ रहे थे कि सर अगली कट ऑफ कब आएगी, तो पूरा का पूरा शेड्यूल आ चुका है। अगर आप चाहते हैं तो मैं शेड्यूल जो है वो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हैं वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट चीज़ होने वाली है इस साल। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और बाकी से शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अगर आपकी क्वेरी है जो है वो सॉल्व हो गई है जो है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी कॉलेज में किसी टीचर से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो इंस्टाग्राम की ID मैंने दे दी है क्योंकि मैं नंबर अपना बहुत कम शेयर करता हूँ, नंबर मैं शेयर नहीं कर सकता, ये आप भी समझ सकते हैं। और कमेंट में आप अपनी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं वीडियोस अब जितने भी Q&A के वीडियो है डालता रहूँगा। आप जो है हताश मत होना कि आपके कमेंट का मैंने जवाब नहीं दिया, आप अपना कमेंट लिखिए क्योंकि कमेंट में ज़रूर पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद में उसको मैं वीडियो में एड्रेस कर देता हूँ। तो आपको अपना कमेंट लिखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका जवाब जो है एड्रेस हो। आप वीडियो अपनी जितनी भी Q&A वाली वीडियोज़ है वो ज़रूर देखो, सो दैट उसी में आपके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो आते रहेंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेरे को भी सुन के अजीब लगते हैं। मुझे लगता है अच्छा ये मेरे माइंड में नहीं आया, ये एक थॉट था और ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये इंटरेस्टिंगली बात थी, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी। तो बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आई थिंक वो ज़्यादा जो है वो मतलब आगे बढ़ के पूछते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने में मुझे जो है बहुत ही मज़ा आता है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। दिस इज माई बिलीव। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद, बाय, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, बाय।